उससे पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर चीजें बदलती हैं, इसलिए बाकी कोविड के कारण से आर्थिक स्थितियां कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुई हैं, लेकिन फिर भी महंगाई को लेकर आप मुझे बताइए देश के अंदर कब हुआ ऐसा 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिवाली तक इन 6-7 महीने हो जाएंगे, मिलता 7 महीने तक फ्री राशन उपलब्ध कराना कौन सी सरकार ने किया? एक मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको इस प्रकार की सुविधा देना किस सरकार ने किया था? माननीय प्रधानमंत्री ने उन लोगों को मेडिकल की फैसिलिटी देना, स्वास्थ्य बीमा के अंदर ऐसे लोगों को लाना, और ऐसे लोग जो कोविड में चले गए उनके लिए तो क्या क्या चीजें हुई हैं उनके बारे में लगता बहुत अभी उल्लेख करने का समय नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों। इसलिए इन सारी चीजों का समाधान कैसे निकलेगा, हमारी सरकार इस पर तत्परता के साथ गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, 2.5 साल युवा क्या लक्ष्मण सिंह जी से पूछो जरा, वो बताएंगे कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आपका क्या कहना है? आइए, कांग्रेस के मुद्दे पर मुझे थोड़ी बोलना चाहिए। आप जो मूवमेंट जा रहे हैं ना, निकास साहब के लिए मूवमेंट का पार्टी जा रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं उस पर सरकार निर्णय करेगी क्या होगा कैसे होने चाहिए उस पर क्या होगा, अब वो एक बार तय होगा इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिस सरकार ने किया, एक मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको इस प्रकार